बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी ढावा स्टाइल में नागौरी दाल। ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसका तड़का बहुत ही अच्छा होता है और ये राजस्थान का स्ट्रीट फूड है। तो चलिए नागौरी दाल बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ढावा स्टाइल में राजस्थानी नागौरी दाल। ये राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है, ये सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। आप लोग इसे बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। नागौरी दाल बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी मसूर की दाल ली थी, इसको मैंने धुल कर 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखो दाल फूल कर तैयार हो गई है। अब हम इसे कुकर में डालकर बनने के लिए रख देंगे। और आधी कटोरी मैंने ये अरहर की दाल ली है, इसे भी हम डाल देंगे। अरहर की दाल की जगह आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 2-3 कटोरी पानी डालकर 4 सीटी आने तक उबालेंगे। गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे और 4 सीटी आने देंगे कुकर में। जब तक कुकर में सीटी आएंगी तब तक हम दाल का तड़का बनाकर तैयार कर लेंगे। नागौरी दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। घी को हम गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम 1 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ डाल देंगे और 2 पिंच हींग डाल देंगे। इनको अच्छे से भूनने देंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें ये 4-5 मिर्च सूखी हुई डाल देंगे। ये मिर्चें भुन गई हैं, अब हम इसमें 2 प्याज कटे हुए डाल देंगे। इनको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच हरी धनिया। हम इनको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। को
कुकर में 4 सीटी आ गई थी, प्रेशर भी निकल गया है। अब हम तड़के में दाल को डाल देंगे। ये दाल हमारी थोड़ी सी गाढ़ी है, इसलिए हम इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसमें हम एक उबाल आने देंगे। दाल में उबाल आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। ये हमारी नागौरी राजस्थानी दाल बनकर तैयार है। मैंने दाल को सर्व कर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा तड़का बचा लिया था, इसे हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे और ये अदरक के जूलियंस काट लिए, इनको भी हम गार्निश कर देंगे। ये मैंने दाल को गार्निश कर लिया है। ये हमारी राजस्थानी नागौरी दाल तड़का बनकर तैयार है। इसे आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।